पहली बार क्यों पीछे छूट गया ताजमहल? पहली बार क्यों पीछे छूट गई मुगल संस्कृति? पहली बार क्यों मकबरे पर भारी पड़ गया मंदिर? दोस्तों, आज हम आपके सामने कुछ ऐसे आंकड़े और तथ्य रखने जा रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि कैसे 1000 साल बाद भारतवर्ष की हवा बदल गई है, कैसे भारत और यहां के लोगों की सोच बदल गई है, कैसे भारत और भारत के लोगों के मूल्य बदल गए हैं, कैसे भारत और भारत के लोगों का जीवन बदल गया है और कैसे भारत की पहचान माना जाने वाला ताजमहल अब काफी पीछे छूट गया है। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, सैकड़ों साल से ताजमहल भारत की मुख्य पहचान बना हुआ था। दुनिया में कहीं भी अगर भारत के बारे में कोई खाका खींचा जाता था तो उसमें ताजमहल की तस्वीर जरूर होती थी। भारत में कोई विदेशी मेहमान आता था तो उसे ताजमहल का मोमेंटो गिफ्ट में दिया जाता था, उसे ताजमहल की सैर कराई जाती थी। लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव आ गया है, अब इसकी रेटिंग में तेज गिरावट आ रही है। इस संबंध में यूपी पर्यटन विभाग के नए आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। इसके अनुसार पर्यटकों की पहली पसंद अब आगरा का ताजमहल नहीं बल्कि अयोध्या का राम मंदिर हो गया है। यूपी पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर ने पर्यटकों के नजरिए से ताजमहल को काफी पीछे छोड़ दिया है। पिछले साल काशी के बाद सबसे ज्यादा लोग अयोध्या पहुंचे हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद इन दोनों जगहों ने आगरा के ताजमहल को पीछे छोड़ दिया है। यूपी पर्यटन विभाग के मुताबिक आगरा में जहां हर साल 90 लाख से 1 करोड़ पर्यटक पहुंच रहे हैं तो अयोध्या और काशी में हर साल 5 करोड़ से अधिक पर्यटक आ रहे हैं। दोस्तों, एक और आंकड़ा आपको हैरान कर देगा। 2022 के मुकाबले 2023 में अयोध्या, मथुरा और काशी तीनों जगह पर्यटकों की संख्या बढ़ी है जबकि आगरा में सैलानियों की तादाद में कमी आई है। काशी में 2022 में 7,12,31,051 पर्यटक आए जबकि 2023 में यह संख्या बढ़कर 8,40,41,155 हो गई, जबकि अयोध्या में 2022 में 2,39,10,479 पर्यटक आए जबकि 2023 में यह संख्या बढ़कर 5,75,15,423 हो गई। मथुरा में 2022 में 89,16,036 पर्यटक आए जबकि 2023 में यह संख्या बढ़कर 93,25,124 हो गई। उधर आगरा में 2022 में 94,70,667 सैलानी आए लेकिन 2023 में इनकी तादाद घटकर 90,60,665 हो गई। दोस्तों, मंदिर मस्जिद विवाद के चलते सैकड़ों साल तक करीब करीब वीरान सी हो गई अयोध्या नगरी, तब अचानक फिर एक धार्मिक पर्यटन का हब बन गई जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने भूमि पूजन किया। उसके बाद 22 जनवरी 2024 को मंदिर के उद्घाटन के बाद तो यहाँ जन सैलाब उमड़ रहा है। अयोध्या में तो अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को सिर्फ 2.5 महीने हुए हैं लेकिन आज भी रोज करीब 1.5 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। ट्रेवल एजेंसियों के मुताबिक इस बार देश में समर वेकेशन में सबसे ज्यादा क्रेज अयोध्या के लिए है। हर दूसरा टूरिस्ट अयोध्या के बारे में जानकारी ले रहा है। श्रद्धालुओं और टूरिस्टों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अयोध्या एयरपोर्ट पर टेक ऑफ और लैंडिंग का समय 2 घंटे बढ़ाया गया है। आमतौर पर अयोध्या एयरपोर्ट पर दिन के समय ही फ्लाइट ऑपरेशन होते हैं लेकिन बढ़ते एयर ट्रैफिक को देखते हुए इसे हर दिन शाम 5 बजे से बढ़ाकर शाम 7 बजे तक कर दिया गया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि टूरिस्ट की पसंद के नजरिए से अयोध्या का राम मंदिर इस समय भारत का नंबर 1 प्लेस है। यह आपको दूसरी पसंदीदा जगह भी बता देता हूँ। दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप है, वो लक्षद्वीप जहाँ मालदीव से विवाद के बीच पीएम मोदी गए थे और लक्षद्वीप के बीच पर उनकी फोटो जमकर वायरल हुई थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीएम मोदी के जाने के बाद लक्षद्वीप भी भारतीयों का पसंदीदा पर्यटन स्थल बन गया है। दोस्तों, भारतीय पर्यटकों का यह आंकड़ा भारत के बदलते चरित्र को दर्शा रहा है। भारत का चरित्र अब मध्यकालीन मुस्लिम संस्कृति से पूरी तरह बाहर निकलने की तरफ है। अब भारत की मुख्य पहचान ताजमहल नहीं बल्कि राम मंदिर है। अब भारत की पहचान मकबरा नहीं मंदिर है। अभी वो दौर नहीं जब हम काशी को डिस्क्राइब करने के लिए इसे हिंदुओं का मक्का बताएं।
अब काशी सनातन हिंदू धर्म और संस्कृति का केंद्र है और पूरी दुनिया इसे यही मान रही है। इसकी तुलना किसी और जगह से नहीं हो सकती। आज भारत में जो सरकार है वो धर्म निरपेक्षता के नाम पर तुष्टिकरण और हिंदू संस्कृति के विरोध के लिए नहीं जानी जाती। आज जो सरकार है वो अपने विदेशी मेहमानों को ताजमहल का मोमेंटो नहीं गिफ्ट करती, इसकी जगह भगवत गीता का ग्रंथ उपहार में दिया जाता है। आज ब्रिटेन का पीएम अपनी भारत यात्रा के दौरान वक्त मिलने पर ताजमहल नहीं जाता, बल्कि वो अक्षरधाम मंदिर में दर्शन करने जाता है। आज भारत के लोगों का जीवन मूल्य और जीवन जीने का तरीका मध्यकालीन और ब्रिटिशकालीन भारत से बिल्कुल अलग सनातन धर्म, संस्कृति और आध्यात्म पर आधारित हो रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में सनातन का परचम सबसे ऊपर होकर लहराएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।